हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे कि रेविट आर्किटेक्चर के अंदर जो रूम बाउंडिंग का ऑप्शन होता है वो क्या होता है और कैसे हम उसे यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअल में रूम बाउंडिंग होती क्या है, पहले उसको समझते हैं। रूम बाउंडिंग क्या होती है कि जैसे मान लो मैं रूम टैग है, यहाँ पे रूम टैग पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इसको चार बाउंड्री के बीच में लेके आता हूँ तो वो आप देख पाएंगे यहाँ पे वो उसका एरिया दिखाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इतने पोर्शन को हाईलाइट किया और इसने इसके बीच के एरिया को टैग किया। इससे क्या होगा कि आप इसको सिलेक्ट करके इतने रूम का एरिया वॉल्यूम वगैरह आप यहां से देख सकते हो, जो भी आपको देखना है। क्लियर है? वॉल्यूम ना दिखे तो रूम एरिया के सेटिंग्स पे जा सकते हैं आप और यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम पे क्लिक करें, ओके करें। अब आप इस पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम और एरिया वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्लियर है? ये इसके बीच की ही चीजों को हाईलाइट इसने इसलिए किया क्योंकि ये इस वॉल पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देख पाओगे रूम बाउंडिंग पे चेक है। इस वॉल पे भी रूम बाउंडिंग पे चेक है, इस वॉल पे भी रूम बाउंडिंग पे चेक है, जो आपकी ये वाली वॉल है। अगर मैं इस वॉल को सिलेक्ट करूं तो ये वाली वॉल को, ये भी रूम बाउंडिंग पे चेक है और ये वाली भी रूम बाउंडिंग पे चेक है, क्योंकि इसलिए इसकी बाउंड्री को इसने एक्सेप्ट किया। बट मान लो मैं अगर यहाँ पे रूम पे जाता हूं, अब इसको ये कर पा रहा है, इसको करता हूं तो इसकी बाउंड्री को एक्सेप्ट करेगा, इस पे करता हूं इसकी बाउंड्री को एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूं, अब मान लो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने हटा दिया था, रूम बाउंडिंग करता हूं। अब अगर मैं इतने पोर्शन पे क्लिक करता हूं तो इतने पोर्शन जो हाईलाइट है इतने पोर्शन को ही वो दिखाएगा, जो भी एरिया टैगिंग या रूम टैगिंग। अंडू किया मान लो मैंने, मैं चाहता हूं कि इसको मैं इंक्लूड कर दूं इसी एरिया में, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वॉल पे क्लिक करना पड़ेगा, रूम बाउंडिंग अनचेक करनी पड़ेगी। इस पे भी क्लिक करूंगा, इसकी भी रूम बाउंडिंग अनचेक करूंगा। अब अगर मैं रूम टैगिंग करता हूं तो वो वन टाइम में कंप्लीट का लेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका ये पोर्शन लगा है यहाँ पे, इसने इसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये फ्लोर है जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इसका हमारे रूम बाउंडिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमारा कंप्लीट का ही रूम बाउंडिंग लेगा। क्लियर? उसके बाद जैसे यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे इस वॉल को देखता हूँ और यहाँ पे मान लो मैं एक अलग से टॉयलेट वगैरह क्रिएट करता हूँ, ये मैंने क्रिएट किया एक टॉयलेट, मान लो ये क्रिएट की, ये वाला डोर लगाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने डोर लगाया यहाँ पे और एक डोर यहाँ पे लगाया। अब अगर मैं यहाँ पे रूम का एरिया चेक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इस पे रूम पे जाऊं तो अगर आप क्लिक करोगे तो वो इतने पोर्शन के रूम को टैग करेगा। बट अगर मैं इसको भी चाहता हूं तो मैंने अंडू किया तो इन दोनों कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया और इस वॉल को मेरे को रूम बाउंडिंग हटानी पड़ेगी। अब इसका कंप्लीट का एरिया को वो टैग करेगा, इस तरीके से वो कंप्लीट एरिया को आपको यहाँ पे शो करेगा। क्लियर है? तो ये होती है एक्चुअल में रूम बाउंडिंग। अगर मान लो मैं यहाँ पे हूं, इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैंने यहां से रूम एरिया को डिलीट किया, ओके। अब मैं अगर रूम बाउंडिंग करता हूं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो अगर मैंने यहाँ पे कोई वॉल नहीं है तो ये इसको भी इंक्लूड करेगा। अगर मैं अब क्लिक करता हूं तो इतने पोर्शन को इंक्लूड किया इसने रूम टैगिंग के अंदर, मैंने अंडू किया। तो एक तरीका तो क्या है कि आप यहाँ पे वॉल बना दो, बट वॉल बनाओगे तो वॉल तो एक्चुअल में होती नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रूम सेपरेटर का यूज करेंगे और रूम सेपरेटर का यूज करके अब मैं रूम टैगिंग की हेल्प से सिर्फ इतने एरिया का रूम टैगिंग कर सकता हूं। इसका अगर नहीं चाहिए, दोबारा से अंडू करता हूं और इन दोनों को सिलेक्ट करके वॉल को अगेन रूम बाउंडिंग पे क्लिक कर देता हूं। अब मैं रूम टैगिंग सिर्फ इतने पार्ट की कर सकता हूं, इसकी अलग से कर सकता हूं, इसकी अलग से कर सकता हूं। तो ऐसे करके मैं रूम और एरिया को टैग कर सकता हूं अपने रूम बाउंडिंग की हेल्प से। और रूम बाउंडिंग एक बहुत ही इफेक्टिव है, अगर मैं इसकी रूम बाउंडिंग हटा दूं तो ये आपको बोलेगा रूम इज नॉट इन ए प्रॉपरली एनक्लोज्ड रीजन, ये बाहर की बाउंड्री है, एनक्लोज्ड रीजन नहीं है। तो आप ओके करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये हट जाता है तो आप इसकी एक रूम एरिया को टैग नहीं कर सकते, ये आपको ओपन होके नहीं आएगा। और ये भी आपका हट गया क्योंकि इसको हमने एज ए रूम बाउंड्री से अनचेक कर दिया। दोबारा चेक करोगे तब जाके ये कंप्लीट एरिया को लेगा, वरना इसको एज ए बाउंड्री वॉल ये लेगा ही नहीं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द रूम बाउंडिंग।
तो ये होता है आपका रूम बाउंडिंग, कि वो बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं, उसके बिना आपकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं हो सकती। तो अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, कमेंट करें, और जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उन सब चीज़ों पे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। We'll be right back.